जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आज की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ताज़ा हेडलाइंस आपको बताने वाले हैं। थोड़ी सी छोटी सी इस वीडियो में आपको यहां पर हर एक फायदे की और काम की आपको वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो गुजारिश है दोस्तों कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज सरकार की तरफ से कई बड़े ऐलान हो चुके हैं। दिवाली से चंद रोज पहले सरकार ने देशवासियों के लिए किया है बड़ा ऐलान। आपको बता दें, हर एक भारतवासी के खाते में आज रात 12 बजे से आने वाले हैं 10,000 रुपये। आप भी देख लीजिए, पूरी जानकारी तभी मिलेगा फायदा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, इधर एक और बड़ी खबर आई है, किसानों का कर्ज होने वाला है माफ। गरीब भाई एवं किसानों का कर्ज हो गया है, तो अब 1,00,000 रुपए तक सरकार कर्जा करने जा रही है माफ। इसके अलावा अगर आप भी यहां पर खेतों में पराली जलाते हैं तो सतर्क हो जाइए। सरकार ने खेतों में पराली जलाने वाले किसान भाइयों के लिए यहां पर कड़े प्रावधान कर दिए हैं। कार्रवाई के साथ साथ जुर्माना लगाने का भी ऐलान हो चुका है। इसके अलावा आपको बता दें, पीएम किसान योजना को लेकर भी आ रही है ताज़ा जानकारी। दिवाली से इस दिन पहले आएगी किस्त। 2,000 रुपये का मिलेगा लाभ, लेकिन इतने करोड़ लोगों को नहीं मिलेगा फायदा। कहीं आप भी तो दोस्तों यहाँ पर 2,000 रुपये का लाभ लेने से चूक नहीं जाएंगे। सरकार कई ऐसे लोग हैं जिनको इस बार पैसा नहीं भेजेगी। आखिरकार क्या पूरा कारण है, इसको लेकर बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। साथ ही साथ राशन कार्ड धारकों को लगा बड़ा झटका। दिवाली पर मुफ्त मिलेगी राशन, लेकिन इन 10,00,000 लोगों को नहीं मिलेगा फ्री गेहूं और चावल। जी हां, सूची से कई लोगों का नाम काट दिया गया है। यदि आप भी यहां पर राशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए सरकार की तरफ से, कहीं आपका भी तो नाम नहीं काट दिया है, राशन कार्ड नहीं कैंसिल कर दिया है, जान लीजिएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। हो जाइए सतर्क, आने वाले 6 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक, जल्दी निपटा लें अपने सारे काम। तो किस किस दिन से यहां पर बैंकों की छुट्टी होने वाली है, ताज़ा जानकारी निकल कर आ रही है। किस दिन तक बैंक बंद रहेंगे, अभी पूरी जानकारी एक एक करके बताएंगे। साथ ही साथ इधर बिजली चोरी करने वाले लोगों पर अब नहीं है खैर। सरकार की तरफ से हुआ बड़ा ऐलान, बिजली चोरी करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। अगर आप कोई बिजली का बिल बकाया है और आप यहां पर बिजली की चोरी करते हुए पाए जाते हैं तो सतर्क हो जाइए। सरकार ने अब यहां पर जुर्माने के साथ साथ वसूली करने का भी ऐलान कर दिया है। इसके अलावा अगली बड़ी खबर, बेहद बड़ी अपडेट। सोना और चांदी हो चुका है सस्ता, धनतेरस से पहले कर लीजिए फटाफट से खरीदारी। सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट हो चुकी है। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो यहां पर कितने रुपए तक आखिरकार गिरावट हुई है, सोने के ताज़ा रेट आपको जानने को मिलेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिवाली से पहले इस राज्य में बिजली होने जा रही है सस्ती। आपकी अब 1 महीने इतने रुपए तक होगी बचत। आपके घरों में बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है और बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है, तो आपको बता दें, आपका जो बिजली का बिल काफ़ी बढ़ा हुआ है उसे भी सरकार माफ़ करने का ऐलान करने वाली है। साथ ही साथ इस राज्य में बिजली सस्ती भी हो चुकी है, तो कितने रुपये तक आखिरकार सस्ती की गई है वो भी जानेंगे। साथ ही साथ किसानों के खाते में जल्द आएंगे 10,000 रुपये। अगर किसानों की हैं एक या फिर दो बेटियां तो सीधे मिलेगा 10,000 रुपये का फ़ायदा। अगर आपके भी घर में बेटियां हैं और अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो आपके लिए ताज़ा जानकारी, बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। बस इस योजना में फटाफट से आवेदन कर दीजिए, आपके लिए बड़ी योजना की शुरुआत हो चुकी है। पूरी डिटेल, पूरा जानकारी देंगे, 10,000 रुपये आपको कैसे मिलेंगे, आर्थिक सहायता सरकार दे रही है, अभी आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा भाइयों और बहनों, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने वालों को लगा है तगड़ा झटका। कल से इन 3 स्मार्टफोन्स पर नहीं काम करेंगे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक। आपका भी दोस्तों यहां पर कहीं इस कंपनी का तो फ़ोन नहीं है, आपका फ़ोन में अब यहां पर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक काम नहीं करेगा। आखिरकार क्या कारण है, इसकी भी जानकारी देंगे। इसके अलावा दिवाली पर फ्री में मिलेगा गैस सिलेंडर, बस करवा लीजिए यह छोटा सा काम। अगर आपको यहाँ पर रसोई गैस सिलेंडर खरीदना है तो आपको बता दें, सरकार मुफ्त में आपको रसोई गैस सिलेंडर इस बार की दीपावली पर देने वाली है। त्योहारी सीजन में कैसे आखिरकार यह मुफ्त गैस सिलेंडर लेना है, आधार कार्ड यदि आपके पास है और बैंक में खाता है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपके फायदे की बड़ी काम की जानकारी आ रही है। तो चलिए, हर एक बड़ी खबर के मुख्य समाचार के साथ आपको इस वीडियो में ताज़ा जानकारी बताते हैं। गुजारिश है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके यहाँ पर दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हर एक भारतवासी के पास मुख्य समाचार की यह ताज़ा जानकारी पहुँच जाए। तो जी हाँ भाइयों और बहनों, दरअसल आज की बेहद ही बड़ी खबर, 12वीं और 10वीं पास के लिए निकली हैं बम्पर भर्तियाँ। रेलवे में करवाएं आवेदन, मिलेगी सरकारी नौकरी। जी हाँ, अगर आप भी यहाँ पर सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, सरकारी नौकरी तलाश कर रहे हैं तो बता दें, रेलवे में बम्पर भर्तियाँ निकल चुकी हैं, जिसमें 10वीं और 12वीं पास कोई भी महिला और पुरुष तुरंत आवेदन करके नौकरी ले सकता है। सरकारी नौकरी पाने का यह सुनहरा मौका है। रेलवे में कई पदों पर बम्पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। इलेक्ट्रीशियन के साथ साथ मैकेनिक, फिटर के भी पदों पर बम्पर भर्तियाँ निकली हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, इन महिलाओं के लिए सरकार ने फ्री मकान देने की कर दी है व्यवस्था, लिस्ट में ऐसे कर लें चेक नाम। जी हां, सरकार की ओर से कई महिलाओं को लाभकारी योजनाएं दी जा रही हैं।
जिसमें से आपको फ्री में घर भी मिल सकता है। जो ऐसी महिलाएं विधवा हैं या फिर जिनके पास में खुद का घर नहीं है, कच्चा मकान है और पक्के मकान में उनको रहना है, तो सरकार की तरफ से ऐसी महिलाओं को यहाँ पर जो है 4,75,000 रुपये तक का फ़ायदा मिलेगा, फ्री मकान भी दिया जाएगा। आपको बता दें, आपको कुछ नहीं करना है बल्कि फ़िलहाल इस योजना में आपको आवेदन करवा देना है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो इस योजना में आवेदन करवाना होगा। इसके साथ अगर आप झारखंड के हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करवाइए, आपको फ़ायदा मिल सकता है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, घर बनवाना हुआ मुश्किल, महंगा हो चुका है सरिया सीमेंट अब खरीदना। जी हाँ, घर दुकान या फिर कुछ भी आप अगर बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों बता दें, सभी की कीमतों में वृद्धि हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप सीमेंट, सरिया या फिर ईंट खरीदने वाले हैं तो बता दें 10 से 15 रुपए तक की यहाँ पर वृद्धि हो चुकी है। बात करें यहाँ पर ACC कंपनी का सीमेंट कब आया तो 390 रुपए अभी तक चल रहा था, जो कि 420 रुपए तक अब महंगा हो चुका है। इसके अलावा आपको बता दी जाएगी, इधर जंग रोधक सीमेंट भी कुल मिलाकर 30 रुपए तक महंगा हो गया है, 350 से बढ़कर 380 रुपए तक इसकी बोरी पहुँच गई है। इसके साथ ही ईंट के भी कीमतों में 5 से 6 हज़ार रुपए प्रति हज़ार यहाँ पर ईंटों में महंगाई हुई है। इसके अलावा अगली बड़ी खबर, जी हाँ, अगले 6 दिनों तक होने जा रहे हैं बैंक बंद, तुरंत निपटा लें ज़रूरी काम। नवंबर के महीने में दोस्तों दिवाली का त्यौहार यहाँ पर इस महीने पड़ने वाला है। आपको बता दें, बैंकों से जुड़ा कोई काम काज करने जा रहे हैं तो फटाफट से निपटा लीजिए, क्योंकि त्यौहारी सीजन में आने वाले बैंक की यहाँ पर जो छुट्टियाँ हैं होने जा रही हैं, 10 नवंबर, 11, 12, 13 के साथ साथ 14 और 15 नवंबर तक, यानी कुल मिलाकर 6 दिनों तक बैंकों में लगातार यहाँ पर बंदी रहेगी, यानी आपका कोई भी काम काज नहीं होगा। इसी के साथ नेक्स्ट अगली बड़ी खबर की बात करें तो होने जा रहा है बड़ा ऐलान, फटाफट से जमा करवा लीजिए अपना बिजली का बिल, सरकार दे रही है बम्पर छूट। अगर आपको बिजली का बिल माफ़ करवाना है तो बता दिया जाए कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बिजली बिल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दे रही है। OTS योजना, यानी कि एक मुफ्त समाधान योजना के तहत सरकार बिजली बिल के ऊपर लगने वाले ब्याज को माफ़ कर चुकी है। तो अगर आप भी अपना बिजली का बिल माफ़ करवाना चाहते हैं, उस पर लगने वाले ब्याज को माफ़ करवाना चाहते हैं, तो आप भी 31 दिसंबर से पहले अपना बिजली का बिल जमा करवा कर इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। और वहीं नेक्स्ट बड़ी खबर की बात करें तो बेहद बड़ी फैसला, दिवाली पर महिलाओं को मिलने वाला है मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, त्योहारी सीजन में उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों के लिए बड़ा ऐलान हो चुका है। बता दिया जाए कि दिवाली पर उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को फ्री में रीफिल देने का ऐलान हो गया है। ऐसे जो भी ग्राहक हैं जिनके पास में रसोई गैस सिलेंडर नहीं है, सरकार उनको फिर से रसोई गैस सिलेंडर दे रही है। तो बैंक खाता अगर आपके पास में है, आधार कार्ड है, तो आप भी अभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं फटाफट से आवेदन करवा कर। इसके अलावा नेक्स्ट बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। जी हाँ, अगर आपके पास भी आधार कार्ड है तो फटाफट से करवा लीजिए यह ज़रूरी काम, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान। दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो बड़ी खबर आई है, आधार कार्ड धारकों के लिए इस समय काफ़ी बड़ा यहाँ पर धोखाधड़ी का काम चल रहा है। जी हाँ, बता दिया जाए कि कई लोगों का डाटा लीक हो रहा है, कई लोगों की जो यहाँ पर निजी जानकारी है वो चोरी हो रही है। अगर आपके पास आधार कार्ड है और उसमें जो भी बायोमेट्रिक्स है, आपका नाम पता है, उसे आप फटाफट से लॉक कर दीजिए। दोस्तों, लॉक करना बेहद ही आसान है, आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट UIDAI की वेबसाइट पर जाइए, माई आधार पे यहाँ पर आपको लॉक और अनलॉक आधार का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। जब भी ज़रूरत हो तो आप अनलॉक कर लीजिएगा, वरना दोस्तों आज के समय में आपके यहाँ पर धोखाधड़ी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, आप भी इसका शिकार हो सकते हैं।